एक टीम को रो पर होके चलना पड़ता है। तो जो आगे लीड क्लाइंबर होता है वो क्या होता है, वो कौन सी नॉट लगाता है? गाइड मैन नॉट। अगर वो क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट रोप अप, इनडायरेक्ट रोप अप हो रहे हैं, तो कौन सी नॉट लगाएंगे? अगर इनडायरेक्ट नॉट, इनडायरेक्ट रोप अप हो रहे हैं आप, आपको मैं बोलता हूँ कि इस रोप में आपने पांच लोगों ने रोप अप होना है, और इनडायरेक्ट रोप अप होना है आपको, तो इनडायरेक्ट के लिए एक ही नॉट आती है ना, फिगर हो गए, तो फिगर हो गए, ठीक है, कैराबिनर, क्लियर हो गया? ओके, अभी गाइड मैन नॉट, गाइड मैन का पता चल गया, गाइड मैन नॉट, जो गाइड होता है, जो टीम का फर्स्ट मेंबर होता है, वो इस नॉट को लगाता है, क्लियर हो गया? अभी लगाने का तरीका, ये रोप सब मेंबर्स के पास होगी, रोप का एक एंड गाइड मैन के पास होगा, उसने क्या करना है, इस तरीके से कमर का नाप लिया, जहाँ पे कमर का नाप आ रहा है, जैसे ये लेफ्ट हैंड पे आपका कमर का नाप आ रहा है, तो इधर आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक हियर थंब नॉट, इस तरीके से आपने यहाँ पे थंब नॉट बनाया, देन आपने क्या करना है, इसको कमर के पीछे से लिया, और ये जो बाइट बना हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर इसे ऊपर से पास करना है, नीचे से पास नहीं करना है, क्लियर? ऊपर से आपने पास कर, अगर ये पीछे से दिखाई नहीं दे रहा है तो आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, ओके, आपने क्या करना है, इसको इसके अंदर पास करना है, क्लियर? जो ये वाला डेड एंड जा रहा है इसको फॉलो करना है आपने, इसको फॉलो किया, देन आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक सेफ्टी नॉट लगाना है, कैसे लगेगा, एंड से आपने क्या करना है, इसके ऊपर पूरा राउंड देना है, राउंड देने के बाद आपने इसके अंदर इसे पास कर देना है, और ये भी इसी के, इसी को फॉलो करेगा, इसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि हाफ नॉट नहीं लगाना है आपको, फुल, अगर आपके पास हार्नेस नहीं है तो इस नॉट का भी आप हार्नेस की जगह यूज कर सकते हैं,
सारी कॉइल्स के ऊपर आपने क्या करना है, वो लाइन लगाना है। ट्रिपल आपने क्या करना है, सेम वही इनसाइड ट्विस्ट, और इस ट्विस्ट को इन सबके सारी कॉइल्स के अंदर से निकालना है, सारी कॉइल्स के अंदर से निकाला इस तरीके से। देन ये ऊपर से पास किया, देन नीचे से घुमा के वापस उसी लूप, और दोनों साइड आपने क्या करना है, सेफ्टी नॉट। इधर से आपने स्टार्ट किया 360 डिग्री और ये बन गया आपका फिगर ऑफ डे। इसके बाद यह एंड बच जाता है, इससे आपने क्या करना है, यहाँ से सेफ्टी नॉट इतना ध्यान रखना है। ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। राइट हैंड से सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट के ऊपर ओवरलैप करना है इस तरीके से। देन आपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड के ऊपर ओवरलैप करना है, तरीके से ओवरलैप हो जाता है। और अगर आप दो राउंड घुमाते हैं इस तरीके से तो ये आपका बन जाता है डबल फिशरमैन। इस साइड भी डबल और इस साइड भी डबल, दो राउंड। अगर एक राउंड में पास कर रहे हैं तो सिंगल फिशरमैन, दो राउंड अगर आपने घुमा लिया तो डबल फिशर आउटसाइड। देन दोनों को क्रॉस करना है इस तरीके से, और यहाँ पे एक क्यू बनना चाहिए।